नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल न्यूज से। भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 के बड़े फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन दिखाते हुए कई पुराने वीडियो शेयर किए गए। ऑल न्यूज की इस वीडियो सीरीज में आज हम ऐसे ही कुछ दावों की पड़ताल करेंगे। हाल ही में भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने के फैसले के खिलाफ विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे ही दावों के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतलों को लोगों द्वारा आग लगाते हुए देखा जा सकता है। इसे हाल ही में विदेश में हुए विरोध प्रदर्शन के रूप में साझा किया गया है। हमने अपनी जांच में पाया कि यह वीडियो हाल का नहीं है। दरअसल यह वीडियो मिजोरम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन का है। 23 जनवरी 2019 को नॉर्थ ईस्ट लाइव ने इस प्रदर्शन का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आइजोल के 7 जिला मुख्यालयों और अन्य 50 से अधिक स्थानों से रैलियां निकाली गई और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग की। 7 अगस्त 2019 से प्रसारित 39 सेकंड का एक वीडियो, जिसे शेयर करने वालों ने यह दावा किया कि भारत से अपनी आज़ादी की मांग करते हुए हजारों कश्मीरियों ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन रैली निकाली। इस वीडियो की पड़ताल करते हुए हमने पाया कि इसे यूट्यूब पर दिसंबर 2018 में पीएम एलन वीडियोस ने अपलोड किया था। पीएम एलन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी है। इस वीडियो को गौर से देखने पर एक जगह एक बैनर पर बारामूला सेंटर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लिखा हुआ दिख रहा है। इससे हमें यह पता चला कि यह वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का है। आगे जांच करने पर हमने पाया कि वीडियो में दिख रही महिलाओं की भीड़ एक जनाजे की थी। इस घटना की तस्वीर फोटो स्टॉक साइट LME ने भी पोस्ट की थी, जिसके अनुसार 10 दिसंबर 2018 को ये महिलाएं उत्तरी कश्मीर के हाजिन में एक नाबालिग के जनाजे के मार्च में शामिल हुई थी। 14 साल का युवक उन 3 मिलिटेंट्स में से एक था, जिसे श्रीनगर के मुजगुंड में 18 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सेना ने मार गिराया था। इस तरह इस वीडियो का कश्मीर के हालिया स्थिति से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने के फैसले के बाद कश्मीर में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपनी जांच में पाया कि इस वीडियो को यूट्यूब पर 9 जुलाई 2016 को अपलोड किया गया था। यूट्यूब पर दिए गए विवरण के मुताबिक यह वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन बुरहान वानी के जनाजे का वीडियो है। वायरल वीडियो के साथ YouTube पर मौजूद जनाजे के अन्य वीडियो की तुलना करने पर हमें दोनों वीडियो में कई समानताएं देखने को मिली, जिससे साफ है कि यह वीडियो सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने के निर्णय के विरोध प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। एक YouTube चैनल द लाइव टीवी, जिसके 19 लाख सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल ने 11 अगस्त को एक वीडियो प्रसारित किया, जिसका शीर्षक था आर्टिकल 370 के विरोध में सड़क पर उतरे कश्मीरी। लेकिन यह वीडियो आर्टिकल 370 के विरोध प्रदर्शन की नहीं है। हमने पाया कि 13 फरवरी 2019 को द ग्रेटर कश्मीर ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रताप पार्क से मार्च की शुरुआत की और राज्यपाल के घर की तरफ भी प्रदर्शन करने की कोशिश की। यह वीडियो इसी प्रदर्शन रैली की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपमान करने वाला पोस्टर, जिसमें मोदी द ड्रैकुला ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। इस पोस्टर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा लगाए जाने के दावे से सोशल मीडिया में साझा किया गया है। ऑल न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि यह पोस्टर भारत का नहीं बल्कि लंदन का है। भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने के फैसले के बाद 15 अगस्त को लंदन में भारत उच्चायोग के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे भी लहराए गए थे, जिसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसके अलावा अलीगढ़ पुलिस ने भी अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात का खंडन किया है
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वाला यह पोस्टर नहीं लगाया था। इस तरह हमने देखा कि आर्टिकल 370 के रद्द किए जाने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कई गलत जानकारियां फैलाते हुए एक तरह से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसलिए अगर आपके पास ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो आती है जिसे जम्मू कश्मीर का बताकर भड़काऊ संदेश के साथ साझा किया गया हो, तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसकी जांच कर लें और इन खबरों की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ के ऐप का इस्तेमाल करें और गुमराह होने से बचें। धन्यवाद।